हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम लिए हैं बथुआ, और इसे हमारे गांव में बथुई बोलते हैं, और हमारे गांव के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और ठंड में ये मिलती है, आजकल बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हमने ये बथुई को धुल के सुखवा लिया है, थोड़ा सा पानी सूख गया है। अब इसको हम निकाल के अच्छे तरीके से बारीक काट लेंगे, और ये ठंड में मिलती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है। तो हमने ये लहसुन लिया है, हरी मिर्च, और इसको अब हम मिक्सी के ये जार में अच्छे तरीके से डाल दे रहे हैं। और ये बथुआ जो हम काट के रख लिए हैं थाली में, अब इसको हम इसी मिक्सी के जार में अच्छे तरीके से हम इसका पेस्ट निकालेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है हमने, हमने ऐसे सारे बथुए को मिक्सी के जार में पीस लिया है। और पीसने के बाद हमने ये 2 कटोरी आटा लिया है। आप इसको आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1 चम्मच अजवाइन, और 1 चम्मच नमक। तो ये बथुआ हमने मिक्सी में जो पीस लिया है, तो इसको हम किसी बर्तन में नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ना कि ये पानी इसमें पड़ा नहीं है। तो इसको आटे में हम डाल के एक डो बना लेंगे, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पानी का बिल्कुल हमने इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। और बथुई तो खाने में अच्छी होती है, बथुई का रायता हुआ, बथुई का सपहता हुआ, और हमारे गांव में इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो हमने ये डो बना लिया है। और बथुई की चीज़ें तो ठंडी में ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो अब हम इसमें छोटी छोटी लोइयां बना ले रहे हैं। इसी तरह हम सारा बना के रख ले रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अपना सा लगता है। 2 मिनट मेरा वीडियो देख लिया करिए आप लोग। और हम अपने गांव की ऐसी अच्छी 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 रेसिपी लाती रहूँगी। हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमने ये छोटी छोटी कचौड़ियाँ बेल ले रही हूँ। तो ये मैंने सारी कचौड़ियाँ बेल के एक थाली में रख लिया है, और ये ठंड का मौसम है, इसे तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हमारे गांव में हर घर में बनता है। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख के रिफाइंड डाल दिया है। अब एक एक करके कचौड़ियाँ मैं उसमें डाल दे रही हूँ, और ये अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी इसे। और कितने अच्छे तरीके से ये फूल रही हैं एक एक करके। आप इसे धीमी आंच पे भी निकाल सकते हैं, और तेज आंच में भी निकाल सकते हैं। जैसे मुलायम आपको पसंद है तो आप तेज आंच में निकालिए, अगर आपको कड़ी पसंद है तो आप धीमी आंच पे निकाल लीजिए। एकदम हरी हरी कचौड़ी दिख रही है, देखिए कितने अच्छे तरीके से पक जा रही है सब। तो हमने इसी तरह ये सारी कचौड़ियाँ बना के बाहर निकाल लिया है। और ये बथुई की कचौड़ी हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद होती है, घर के बड़े बुजुर्ग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए।
और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारी बथुई की कचौड़ी कैसे लगी। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो शेयर करिएगा और आप लोग इसे चटनी या सब्जी के साथ खाइएगा और शेयर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।